बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakdeal.com.pk। व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद रसान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साजगार ऑटो कंपनी की जो है कोलैबोरेशन हुई है बाइक कंपनी के साथ, इसके साथ एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर उन्होंने काफी सारे अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं। इससे पहले हमने आपको काफी सारी न्यूज भी दी है, जिससे बाइक BJ40L और इसी के साथ जो है बाइक D20, X25 और इसके अलावा भी और काफी सारी गाड़ियां जो है पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाहते। अगर लॉकडाउन की सिचुएशन चाइना और पूरी दुनिया के अंदर ना होती बशमूल पाकिस्तान के, तो अब तक पाकिस्तान के अंदर साजगार कंपनी की काफी सारी गाड़ियां जो है मार्केट में आ चुकी है। एक्सपो सेंटर के अंदर इन्होंने लाहौर में जो है काफी सारी गाड़ियां अपनी जो है वो डिस्प्ले की हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्रीन फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा मुतारिफ किया है, जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट जो पाकिस्तानी रिक्शा जो लोकल पेट्रोल इंजन है उससे थोड़ी सी हैवी लोड होती है। इसी के साथ जो आज हम इसके प्रोडक्ट का रिव्यू लेके हैं वो बाइक BJ40L+ है। जहां तक इसकी प्राइस का ताल्लुक है, तो प्राइस जो है इसकी 65 लाख एक्सपेक्टेशन की जा रही है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वो भी विजिट कर लें। और अगर किसी ने आर्टिकल पढ़ना हो तो इंशाल्लाह हम वीडियो के बाद जो है वो इसका आर्टिकल भी लिख देंगे, उसका लिंक भी आपको अलग कम्युनिटी टैब में नजर आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की तरफ चलें, तो 2010 के अंदर बीजिंग चाइना के अंदर एक ऑटो शो हुआ था ऑटो इंडस्ट्री का, उसके अंदर जो है इन्होंने अपना बाइक BJ40 डिस्प्ले किया था। 2013 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब ये मार्केट के अंदर लॉन्च कर दी गई थी, तो बाइक BJ40 था और जिसके अंदर 2.4 इंजन था, टू डोर शेप के अंदर आया था। फिर 2016 के अंदर जो है इन्होंने ऑटो शो के अंदर दोबारा अपना बाइक BJ40L फोर डोर कार के साथ डिस्प्ले किया, और उसके बाद जो है ये मार्केट के अंदर मुतारिफ करा दिया गया, जो कि 2.0 लीटर टर्बोचार्ज के साथ आया था और ये फोर डोर जो है SUV थी। बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन है 2013 से लेके अब तक है, और जो बाइक BJ40L+ है वो 2016 से पाकिस्तान में अब तक या पूरी दुनिया के अंदर अब तक चल रही है। बेसिकली इसके अंदर जो इंजन है वो तीन किस्म के मिलते हैं। नंबर वन आपको 2.0 लीटर का मिलता है, जो कि B201R I4 है, जो कि टर्बो पेट्रोल में मिलता है। फिर आता है 2.3 लीटर में, जो कि B231R I4 है, जो कि टर्बो पेट्रोल में मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है 2.4 लीटर के अंदर G4CA I4 पेट्रोल, और पाकिस्तान के अंदर जो आएगा वो 2.0 B201R I4 टर्बो पेट्रोल आएगा। मेन नंबर वन वाला जो इंजन है इसका वो आपके पास आएगा। अगर हम इसके इंजन की तरफ चले, तो इंजन 2.0 टर्बो चार्ज है, जो कि 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। फ्यूल पेट्रोल है, ऑयल सप्लाई मेथड डायरेक्ट इंजेक्शन है, वर्किंग मेथड टर्बो चार्ज है। सिलेंडर वॉल्व जो है वो 4 है, वैल्यू पर जो सिलेंडर आती है आपको वो 16 मिलेगी। मैक्सिमम पावर जो हॉर्स पावर में है वो 150 आपको देगा। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 350 आपको मिलेगी। स्टैंडर्ड जो है वो इसके अंदर 5 आपको मिलेगा। जहां तक बाइक BJ40L+ के गेयर्स का ताल्लुक है, तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो आपको मैनुअल फोर व्हील ड्राइव मिलेगी। जहां तक बाइक BJ40L+ की डायमेंशंस का ताल्लुक है, तो इसकी लेंथ जो है 4630 मिलीमीटर, वेथ 1843 मिलीमीटर, हाइट 1861 मिलीमीटर, व्हील बेस 2730 मिलीमीटर, कर्व वेट 2090 किलोग्राम का। 5 डोर गाड़ी और सीटिंग कैपेसिटी जो है इसके अंदर आपको 5 मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 80 लीटर का है। लगेज कंपार्टमेंट जो है वो 532 से लेकर 965 लीटर का जो आपको लगेज कंपार्टमेंट मिलता है। जहां तक बाइक BJ40L+ के टायर्स का ताल्लुक है, तो इसके अंदर 245/65R17 का जो आपको टायर मिलता है। पेयर जो टायर होगा वो भी आपको फुल साइज का मिलेगा, हाफ ट्रिम साइज नहीं मिलेगा। जहां तक इसकी ब्रेक्स का ताल्लुक है, तो फ्रंट ब्रेक्स आपको वेंटिलेटेड मिलती है, रियर जो है डिस्क ब्रेक मिलती है, पार्किंग ब्रेक जो है वो इसकी मैनुअल होगी। जहां तक सस्पेंशन का ताल्लुक है, तो फ्रंट सस्पेंशन डबल विश बोन मिलता है, रियर सस्पेंशन जो है मल्टी लिंक डिपेंडेंट मिलता है, क्योंकि ये SUV है, इसमें जितनी सस्पेंशन अच्छी होगी उस लिहाज से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी होगी। और अगर हम इसके रिव्यू की बात करें, तो इसका रिव्यू कुछ इस तरह है। जहां तक गाड़ी का फ्रंट लुक का ताल्लुक है, फ्रंट लुक के अंदर आप लोग देख सकते हैं सेंटर में जो है वाइड एंगल ग्रिल, जिसके ऊपर क्रोम का इस्तेमाल किया गया। हेडलैम्प का जहां तक ताल्लुक है, तो उसके अंदर आपको हैलोजन लैंप मिलते हैं, SMD लैंप्स मिलता है, साइड टर्निंग बल्ब मिलते हैं, फॉग लैंप्स मिलते हैं। बम्पर जो है वो ब्लैक कलर में, कुछ वेरिएंट्स में इसका उम्मीद करते हैं कि कलर मैचिंग के साथ भी आए। जहां तक साइड लुक के ताल्लुक है, साइड लुक में आपको जो है इसके देख सकते हैं कि साइड टर्निंग बल्ब है वो फ्रंट लुक से लेकर लास्ट लुक तक कहीं नहीं मिलेगा, मीन सिर्फ हेडलैम्प के अंदर है, फेंडर में साइड मिरर में आपको नहीं मिलेगा। साइड मिरर और हैंडल जो है वो कलर मैचिंग के साथ नहीं मिलेंगे। इसकी जो दरवाजों की जो लुक के ऊपर जो इसके जो कब्जे जिसे कहा जाता है, वो इस शेप में बनाए गए हैं, जैसे कि आपका पहले पोटोहार जीप के अंदर होता था, या अगर इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं जो ऑफ रोडिंग जीप, जो कि गाड़ी के साइड लुक में जो है आपको फुल ट्रस्ट भी मिलते हैं। फ्रंट से लेकर लास्ट तक जो है आपको एक ब्लैक कलर का एज मिलेगा पूरी गाड़ी के अंदर, जो कि इसके स्पॉइलर शेप में आता है। जहां तक रियर साइड का ताल्लुक है, तो
रियर साइड आप लोग देख सकते हैं ब्रेक माउंट लैंप मिलता है, रियर वाइपर मिलता है, डिफॉगर्स मिलते हैं, ट्रंक या बैक डोर का जो है वो ओपन का आपको बट हैंडल मिलता है, पीछे बैक का लोगो BJ40L का आपको मोनोग्राम मिलता है, रियर कंपार्टमेंट जो है वो 50-50 का लगेगा या 40-60 की कंपार्टमेंट स्प्लिट के साथ ओपन होता है, विंडस्क्रीन ऊपर की तरफ ओपन होगी और जो है रियर कैबिन जो है स्लाइड होगा जैसे कि आप लोग इसे देख सकते हैं, बूट स्पेस काफ़ी है और उसके अलावा जो रियर सीट है फोल्डिंग में आ जाती है। जहाँ तक इंटीरियर का ताल्लुक है, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं आपको बाइक का जो है सिग्नेचर स्टेयरिंग मिलता है, दो एयरबैग जिसके अंदर मिलते हैं और एक स्टेयरिंग के ऊपर पॉपअप का दूसरा जो है रियर मल्टीमीडिया कंट्रोलिंग सिस्टम के साथ आपको एक बटन मिलता है। सेंटर के अंदर देखा जाए तो चार AC के वेंट्स मिलते हैं, LCD यूनिट मिलता है, मीटर क्लस्टर का जहाँ तक ताल्लुक है तो 200 का आपको मीटर क्लस्टर मिलता है, 7 RPM तक की आपको स्पीड मिलती है। मीटर के अंदर जो है तमाम चीज़ जो है आपको मेंशन होंगे जिसके अंदर हैंड ब्रेक, बैटरी, इंजन, लाइट, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर ओपन वार्निंग का भी आपको बटन मिलेगा। जहां तक इसके सेंटर इंफोटेनमेंट का ताल्लुक है वो LCD यूनिट आपको मिलेगा, रियर कैम के साथ मिलेगा, नेविगेशन मिलेगी, USB ऑक्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा, हेजलाइट कंट्रोल के बटन मिलते हैं। जहां तक क्लाइमेट कंट्रोल है वो मैनुअल इसके अंदर मिलता है। जहां तक इसके गियर का ताल्लुक है तो 5 स्पीड आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, इसे कुछ वेरियंट के अंदर आपको 6 स्पीड भी आपको गियर बॉक्स मिलता है। उसी कंसोल में आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट कंट्रोल का आपको बटन भी मिलेगा। इसी के साथ आप ड्राइवर साइड में ही आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को लाइट एडजस्टमेंट कंट्रोलिंग, मीटर कंट्रोलिंग और साइड मिरर जो है वो इसे कंट्रोलर रिट्रैक्टेबल के बटन भी मिलते हैं। 4x4 गियर में 4L, N, 4H और 2H का ऑप्शन मिलता है। सीट्स जो है वो 2-way एडजस्टमेंट है जिसके अंदर तीनों सीट्स है, हाइट, अप एंड डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। जहां तक रियर सीट्स का ताल्लुक है तो इजिली जो है वो 3 एडल्ट जो है इजिली बैठ सकते हैं, आर्मरेस्ट फ्रंट और रियर दोनों में आपको मिलता है, डोर जो है वो इसे पावर मिरर के साथ आपको मिलते हैं, रियर सीट में ही 60-40 की स्प्लिट के साथ भी ऑप्शन है। एडिशनल ऑप्शन की बात करें तो बाइक BJ40L के अंदर रियर व्यू कैमरा मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, ABS मिलता है, EBD ब्रेकिंग सिस्टम के साथ भी आपको मिलता है, लो बीम हैलोजिन, हाई बीम हैलोजिन मिलता है, फॉग लैंप मिलता है, हेडलैम्प लेवलिंग सिस्टम मिलता है, ISOFIX जो है चाइल्ड सीट्स आपको मिलती हैं। तो व्यूअर्स ये था रिव्यू बाइक BJ40L प्लस का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पागडील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।